दोस्तों, यदि आपने KVS PRT की परीक्षा दी थी तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। जानकारी के मुताबिक KVS PRT का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी हो सकता है, यानी एक सप्ताह के अंतर्गत आपका रिजल्ट 20 तारीख से पहले पहले हर हाल में जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के साथ कुछ ही दिनों में आपके इंटरव्यू की भी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी KVS की जो अन्य पोस्ट थी उनका काम बहुत ही तेजी से हुआ था। KVS का जो रिजल्ट रुका हुआ था उसके लिए सबसे बड़ा कारण था BEd BTC का जो फैसला था वो अभी तक नहीं आया था, बट अब फैसला आ चुका है और लगभग एक माह से अधिक समय हो चुका है, इसलिए अब जो है यहाँ पर सहमति बन चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक सूचना के अधिकार के तहत KVS की तरफ से ये जवाब आया था कि रिजल्ट वो लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, एक लिस्ट वो बना चुके हैं BEd के साथ और एक लिस्ट बना चुके थे विदाउट BEd। अब यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है वो रिजल्ट विदाउट BEd यानी BEd के बिना ही रिजल्ट आने वाला है, इस पर शिक्षा मंत्रालय से अनुमति मिल गई होगी, इसके बाद ही रिजल्ट आपका 20 तारीख तक हर हाल में जारी हो जाएगा। और रिजल्ट से पहले एक नोटिस आपको देखने को मिल सकता है जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि BEd को लेकर के क्या स्थिति है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद एक सप्ताह के अंतर्गत आपके इंटरव्यू को लेकर के भी नोटिस जारी हो जाएगा। तो जो भी लोग जिनका भी स्कोर 100 प्लस है, 110 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है और आप DELED कैंडिडेट हैं, यानी आपने DELED कर रखा है, तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन तरीके से अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 70-30 का रेशियो रहेगा, और अगर ये रिजल्ट KVS का जारी हो जाता है तो इसी के माध्यम से केंद्र सरकार का यानी शिक्षा मंत्रालय का भी रुख स्पष्ट हो जाएगा कि BEd को लेकर के वो कितना गंभीर है, या फिर उन्होंने पूरी तरीके से 11 अगस्त के ऑर्डर का मतलब सम्मान किया है और उसको मान लिया है। इस संबंध में क्लेरिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, तो इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन तरीके से करिएगा। इस संबंध में जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।